बच्चों कैसे हैं सब? बहुत ही बढ़िया एकदम मस्त। और हम सब शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स, जहां हम लोगों ने छोड़ दिया था बहुत दिनों बाद लगातार। हम लोगों की फिर से हम ज्वाइन करते हैं फिजिक्स क्लास। देखो ध्यान से, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट हम लोगों का फिजिक्स। इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि मतलब बता नहीं पाता मैं तो बात ये आती है, हाँ यार एक छोटी सी बात है, तब खा भी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मस्त होंगे, बिल्कुल फैल गए होंगे, बोल रहे थे खूब खाओ सुबह दोपहर शाम रात दिन में 5 बार खाओ। देखो ध्यान से चलो, और अपने आप को फैलने से भी रोकना है, कोरोना तो फैल ही रहा है। स्टार्ट हम चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब इसके क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 14 तक देख लिए थे लास्ट वीडियो में, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कंसेप्ट है। फ्री में नहीं हो जा रहे क्वेश्चन भी, जब मन किया अच्छा सोच उठे और क्वेश्चन सीख लिया, ऐसा नहीं है कि नहा धो के निकलते हैं बाद में उसके बाद क्वेश्चन सीख लिया, ना बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, दिमाग खुल जाएगा। स्टार्ट कहते हैं, पहला तो पार्ट छोटा है, पहला पार्ट 2 पार्ट है इसके। स्टार्ट कह रहे हैं कि एक फॉर्मूला ये दे रखा है, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2x² प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये दे रखा है। कहते हैं कि अगर ये फॉर्मूला एक्सियल पोजिशन का है, अगर ये फॉर्मूला एक्सियल पोजिशन की नेगेटिव फील्ड का है, कहाँ का है? सर्कुलर वायर की वजह से एक्सियल पोजिशन का, इसी को कहते थे हम लोग एक्सियल पोजिशन। कि अगर सर्कुलर वायर की करंट की वजह से ये फॉर्मूला एक्सियल पोजिशन की मैग्नेटिक फील्ड का है, तो बताओ क्या यही फॉर्मूला इस सर्किल के सेंटर का भी हो सकता है? क्या यही फॉर्मूला इस सर्किल के सेंटर का भी हो सकता है? यार अगर इस सर्किल की रेडियस r है, एक्सियल पोजिशन डिस्टेंस x है, तो एक्सियल पोजिशन का फॉर्मूला ये है, तुम्हें सेंटर का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या करोगे? जाके सो जाओगे? क्या करोगे? अगर ये सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर की एक्सियल पोजिशन का फॉर्मूला ये है, सेंटर का पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? एक्सियल से सेंटर तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? क्या करोगे? धीरे धीरे तुम इधर बढ़ोगे, धीरे धीरे और इधर बढ़ोगे, धीरे धीरे और इधर बढ़ोगे। यार जब तुम धीरे धीरे सेंटर की तरफ बढ़ रहे हो, तो एक्स भी तो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, एक्स छोटा होता जा रहा है। यस और नो? यार बोलो हाँ कि ना, मैं सुन रहा हूँ, बोलो, घर बैठे सुन रहा हूँ। एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्सियल से तुम सेंटर की तरफ गए, व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर, देन द एक्स टेंड्स टू जीरो। जब तुम बिल्कुल सेंटर पर पहुंच गए, तो एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स क्या हो गया? जीरो के बराबर। इसका मतलब अगर तुम्हें एक्सियल से सेंटर पोजिशन को निकालना है, तो क्या करो? एक्स इक्वल टू जीरो रख दो यहाँ पर। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू, एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर कोई स्टेप समझ में ना आएगा ना, नोट करना पड़ेगा इसको, कॉपी पेन लेके बैठा करो। ऐसे नहीं कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने बैठे हैं कि पांचों संकल्प तो उठ ही जाना है, लास्ट में हलवा चना भी ले जाता है, काला रंग वाला चना प्रसाद, वो मत करना, पढ़ना सही से रहा, कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट किया करो छोटी छोटी बातें। मैंने क्या बोला कि अगर एक्सेस सेंटर पर जाना है, तो मुझे नोट करने वाली बातें होती है कॉपी में, यानी क्या करते हैं, अगर एक्सेस सेंटर पर जाना है तो तुम क्या कर रहे हो? तो तुम ये कर रहे हो कि एक्स को जीरो रख रहे हो, एक्स जीरो होता जा रहा है, तभी तो एक टाइम ऐसा आया कि एक्स जीरो हो गया, रखूंगा तो एक्स जीरो हो गया। स्टार्ट तो बी इक्वल टू तो म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू, आर स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 से 2 गया, तो नीचे क्या आया? आर क्यूब, आर स्क्वायर से आर क्यूब गया, एक आर बचा, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन अपॉन 2r। और यही फॉर्मूला स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड का। नोट करो जल्दी से, तो क्या सीखा तुमने इस फॉर्मूले को? एक्सियल पोजिशन का फॉर्मूला कहते हैं। मैं कह रहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन, कठिन नहीं किए हुए, पहला पार्ट तो आसान था, जो पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में मजा आने वाला है। तो ये बस कुछ नहीं करना था, अगर ये एक्सियल था तो सेंटर का पूछा था, एक्स इक्वल टू जीरो कर दो, आगे सेंटर का फॉर्मूला, काम खत्म। स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, नोट किया करो, पॉज करो वीडियो को, नोट करो जल्दी से, आराम मत किया करो। हाँ हाँ स्टार्ट खत्म, मिटा देता हूँ मैं, सब कुछ मिटा देता हूँ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा पार्ट क्या कहता है, मजा तो अब आने वाला है। दूसरे पार्ट में कहता है कि मेरे पास 2 वायर हैं। कैसे वायर हैं? 2 सर्कुलर वायर हैं, पहला और ये दूसरा,
ये वायर x है, ये वायर y है, मेरे पास दो सर्कुलर वायर है, एक x है एक y। कहता है इन दोनों वायर की रेडियस कैपिटल R है, इन दोनों वायर की रेडियस कैपिटल R है और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस भी कैपिटल R है। देखो कितनी अच्छी बात बताई, इसकी रेडियस भी कैपिटल R है और इसका सेंटर है C, C डैश, तो इन दोनों सेंटर्स के बीच डिस्टेंस भी कैपिटल R है। तो ये बीच में सेंटर O हुआ, अगर ये O हुआ तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू R by 2 और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू भी R by 2 होगी। और डायरेक्शन तुमको दे रखी है सर्कुलर वायर्स की, इसमें करंट डायरेक्शन ऐसे है सेम डायरेक्शन में, इसमें भी सेम डायरेक्शन में। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान देना, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या कहता है कि इस वाले वायर की वजह से और वाई वाले वायर की वजह से, x वाले और y वाले वायर की वजह से इस सेंट्रल पोजीशन के पास कुछ दूरी तक, इसकी वजह से यहां पर और इसकी वजह से यहां पर, सेंट्रल पोजीशन पर कुछ दूरी तक, सुना है तुमने, कुछ दूरी तक जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट रहेगी। यार इस x वायर की वजह से इस पर से मैग्नेटिक फील्ड कैसी एक्सियल पोजीशन, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी एक्सियल पोजीशन, इसकी वजह से और इसकी वजह से इस सेंटर पे कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी, इतनी रहेगी B equal to 0.72 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, प्रूव करना है। झाग आ जाएगा मुंह से अगर ध्यान से नहीं देखा तो, वो भी रेड कलर का लाल रंग का खूनी झाग। अब देखो क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन बोला कि इस वाले लूप की वजह से और इस वाले लूप की वजह से सेंटर पे कुछ दूरी तक, कुछ दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से कांस्टेंट रहेगी और कितना रहेगी, उत्तर रहेगी। क्लियर स्टार्ट करते हैं। मान लो वो छोटी सी दूरी मैंने बोला O से लेकर M है, उसे लेकर M है और वो O से लेकर M कितना है, D है। O से लेकर M तक कितना है, D है। बात समझ में आ गई, O से M तक D है। अब जरा ध्यान देना, अगर O से M तक D है तो C से लेकर M तक कितना होगा, R by 2 plus D। यार यहां तक तो R by 2 था, D और बढ़ गया तो R by 2 plus D। M से लेकर C dash तक कितना होगा, R by 2 तो यहां तक था ना वो तक, तो R by 2 minus D। लगा दो बात, तो इसका मतलब मैं तुमसे कहूं कि C से लेकर M तक की वैल्यू कितनी, R by 2 plus D, plus M से लेकर C dash तक की वैल्यू कितनी, R by 2 minus D। अब ध्यान देना जो m पोजीशन है, अब बात से मैं किसी करूंगा, m पोजीशन की करूंगा, जो m पोजीशन है इस वाले वायर की एक्सियल पोजीशन है, इसका मतलब इस वाले वायर के लिए m जो है एक्सियल पोजीशन है और एक्सियल पोजीशन को किससे सॉल्व करते हैं, x से, तो x इक्वल टू r by 2 plus d। जब इस वायर की बात होगी तो x कितना लोगे, r by 2 plus d और यहां लगाएंगे। इस वाले वायर की बात होगी तो यहां के लिए एक्सियल पोजीशन कौन है, m है, बात तो वही है। इस वाले के लिए भी x कितना होगा, r by 2 minus d। तो जब इस वायर की बात होगी तो r by 2 plus d लगाओगे x की जगह, इस वाले वायर की बात होगी तो x की जगह लगाओगे r by 2 minus d लगाओगे। यहां पर फिर हम सॉल्व करते चलेंगे, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट b equal to, सर सबसे पहले देखो नॉट b equal to, हम देखेंगे सबसे पहले bx equal to, bx का नीचे लिख दूं हो सकता है देखना रहा हूं, तो मैंने लिखा bx। x की वजह से यहां पर m पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसी फॉर्मूले में यूज करूंगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट x स्क्वायर कितना, कितना r by 2 प्लस d का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3 by 2 आ गया। फिर देखूंगा मैं क्या d y, फिर क्या देखूंगा d y, इसकी वजह से m पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इसी फॉर्मूले को म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट, इस x से ये क्या लगा दूं यार, r by 2 माइनस d, अरे सब चुपचाप बैठ के सोच रहे जाने क्या, r by 2 माइनस d का होल स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर की पावर 3 by 2 क्या बन गया। खाली ऐसे करके मत बैठो, देखते रहो ध्यान से, बैठे बढ़िया अजीब तरीके से।
एक बार एक्स की आ गई, एक बार वाई की आ गई। अब दोनों में करंट डायरेक्शन कैसी है? सेम। और अगर एक वायर है डायरेक्शन और एक वायर में डायरेक्शन सेम हो तो दोनों की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगी एक ही तरफ होगी, एक ही तरफ होगी। तो इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जो कि बी एक्स है, इसकी वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगी जो कि बी वाई है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो बी इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई। तो देखो बी इक्वल टू, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा, स्टार्ट करते हैं, अब मजा आएगा जब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तुम अच्छा अच्छा सोचोगे, गाली दोगे मुझे। अब देखो b इक्वल टू बी एक्स की वैल्यू ये रहा सामने, क्या म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट आर अपॉन टू प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 प्लस, ये देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, सो गए तो चार तो सो गए होंगे, उठ जाओ उठ जाओ मेरे लाल आंखें खोलो, प्लस कितना आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 रख दिया दोनों, दोनों में कॉमन देखो, ये कॉमन ये कॉमन, टू कॉमन टू कॉमन, कॉमन निकाल दो। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू कॉमन वन अपॉन क्या आर बाई टू प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 प्लस वन अपॉन क्या आर बाई टू माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। क्लियर, ये कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया ना। जब इसे स्क्रीन शॉट तो मैं हटाऊंगा, ये इसको हटा दूंगा मैं, जल्दी जल्दी हटाओ, स्क्रीन शॉट लो, वीडियो पॉज करो, रूम में वो करो, तुम अपने घर में बैठे हो, तुम स्वतंत्र हो, कोरोना की वजह से तुम फ्री हो। चलो भाई मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे जगह चाहिए, सबको जगह चाहिए, मुझे भी जगह चाहिए। देखो भैया कुर्सी की लड़ाई, अब मैं कहता हूँ कि चलो इसको हटाया मैंने, मिट गया, अगर ये मिट गया तो ये भी था, समझ गए, इतना आ गया, जब इतना आ गया तो ध्यान दो, मैं इसको मैं वहाँ लिखा हूँ ज़रा ध्यान देना। तो ये रहा बंद किया रास्ता, तो b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू, अब जो अटेंडिव रहेगा वही जल्दी जीतेगा, अदरवाइज सब मर जाओगे। ये पूरी ब्रैकेट की पावर 3 बाई 2 है, ये पूरी बड़ी ब्रैकेट की पावर 3 बाई 2 है, इसको जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 3 बाई 2 होगा, बोलो हाँ कि ना, बोल रहे हाँ कि ना, इस पूरी ब्रैकेट को ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस 3 बाई 2, इसको भी ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2। लिखता हूँ स्टार्ट, देखो क्या आया, आर बाई 2 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस, ये पूरी पावर ऊपर की तो माइनस 3 बाई 2, इसको लिखता हूँ प्लस क्या यार आर बाई टू, अब समझ आना बंद हो गया, प्लस आर स्क्वायर हटो तुम आर स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2, बात समझ में आना, ये भी ऊपर गया तो माइनस 3 बाई 2, ये भी ऊपर गया तो माइनस 3 बाई 2, नोट करो जल्दी से, नोट करते चलो साथ साथ में, नोट करते चलो साथ साथ में, नोट करते चलो साथ साथ में, क्या समझ में आ गया, स्टार्ट करते हैं। तो बी इक्वल टू देखो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, खोलो इसको, तो देखो बेटा आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ए बी टू आर बाई 2 इंटू डी प्लस आर स्क्वायर तो पहले से था कि पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही रहा प्लस आर स्क्वायर, ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 आर डी बाई 2 प्लस कितना आर स्क्वायर सबकी पावर माइनस 3 बाई 2, पास समझ में आ गया, ध्यान दो 2 से 2 गया 2 से 2 गया, तो बी इक्वल टू कितना आया म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट, कुछ समझ में नहीं रहा वाली, शांति से बैठे पड़े हो, देखो ध्यान से बी एक्स लिखा बी वाई लिखा बी एक्स प्लस बी वाई किया, दोनों की मैथमेटिक्स भी एक तरफ होती है, दोनों को ऐड करके कॉमन निकाला पावर निकाल के पावर पावर ऊपर गई, पहले वाले की एक्स की वैल्यू बढ़ गई है ना, दूसरे वाले एक्स की वैल्यू पता है ना, फटाफट देखो ध्यान से फटाफट। अब देखो क्या किया, ये आर स्क्वायर बाई 4 है, ये आर स्क्वायर है, कितना हुआ 5 आर स्क्वायर बाई 4, ऐड कर दो ना इसको, इसको ऐड नहीं कर सकते यार, आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर स्क्वायर कितना 5 आर स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना d
की पावर 3 बाय 2 प्लस ये भी आर स्क्वायर प्लस ये भी 5 आर स्क्वायर बाय 4 प्लस कितना डी स्क्वायर की माइनस 3 बाय 2 इतनी बात समझ आ गई। अब एक ही तो है जी, ये रहा यहाँ पे प्लस का आर डी, इस पर आप प्लस का आर डी रह गया की पावर 3 बाय 2 माइनस में, यहाँ पे भी माइनस का आर डी रह गया, या माइनस का आर डी रह गया और सबकी पावर कितनी, सबकी पावर माइनस का 3 बाय 2 समझ गए, क्योंकि डी जो वैल्यू थी बहुत छोटी थी, अगर डी वैल्यू बहुत छोटी थी तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो जहाँ जहाँ डी स्क्वायर दिख रहा है उसको नेगेटिव करो, कर देते हैं तो देखो बी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन मीन दाखिल हो जाता है 5 आर स्क्वायर बाई 4 बड़ा क्वेश्चन है भाई, प्लस डी स्क्वायर नेगेटिव हो गया तो आर डी की पावर माइनस 3 बाई 2। अब बच्चे कहेंगे अच्छा इसने डी को नेगेटिव नहीं किया, अरे यार बेवकूफ हूँ, इसके साथ कैपिटल आर नहीं लगा हुआ है तो बड़ी वैल्यू होती है, जब छोटी वैल्यू है बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी तो कैसे नेगेटिव कर दोगे यार, यह कह रहा है नेगेटिव होगा डी स्क्वायर आर डी ऐसे रह जाएगा, कर मत देना नेगलेक्ट तो नंबर भी नेगलेक्ट के मिलेंगे 5 आर स्क्वायर बाई 4 माइनस कितना आर डी की पावर माइनस 3 बाई 2 ब्रैकेट बंद रास्ता समझ आ गया। मैं जरा सा मिटा देता हूँ, मैं जरा सा मिटा देता हूँ, जगह बना नहीं है मुझे, चलो भाई नोट करते चलो आगे बढ़ते चलो स्टार्ट यहाँ पहुँच गए। अब ध्यान दो 5 आर स्क्वायर बाई 4 प्लस आर डी में इस ब्रैकेट में से 5 आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन, 5 आर स्क्वायर बाई 4 माइनस आर डी में से 5 आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन, और हम जानते हैं अगर कोई चीज ब्रैकेट में से कॉमन ली जाती है तो ब्रैकेट की पावर साथ लेकर आती है, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो जरा चौंक रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर मैं इसमें से a कॉमन लूंगा a स्क्वायर बाहर आएगा और 1 प्लस बी अपॉन a की पावर 2 बचेगा, जिसको भी कॉमन लेते हैं वो अपनी पावर साथ लेकर आता है, अच्छी बात है, ये भी लेकर आएगा साथ अपनी पावर, तो देखो b इक्वल टू म्यू नॉट क्या है आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2, ध्यान देना इस ब्रैकेट में से 5 आर स्क्वायर बाई 4 कॉमन आया तो पावर कितनी लेकर आएगा माइनस 3 बाई 2 अपने साथ लेकर आएगा, स्टार्ट देखो 5 आर स्क्वायर बाई 4 जब कॉमन लिया तो माइनस का 3 बाई 2 साथ लेकर आएगा और अंदर क्या बच गया 5 आर स्क्वायर बाई 4 गया बाहर में बचा 1 प्लस आर डी अपॉन 5 आर बाई 5 आर स्क्वायर बाई 4 तो 5 आर स्क्वायर बाई 4 की पावर माइनस 3 बाई 2 नहीं आई, यहाँ से कॉमन निकल गया 5 बार स्क्वायर बाई 4 तो अपनी पावर साथ ले गई यार, क्या देख रहे हैं 5 बार स्क्वायर को पावर साथ ले गई यहाँ पर बचा 1 प्लस आर डी था तो 5 बार स्क्वायर बाई 4 डिवाइड कर दिया प्लस ऐसा यहाँ तो ये देखो क्या किया मैंने यहाँ करता हूँ यहाँ कर रहा हूँ देखो 5 बार स्क्वायर बाई 4 बिल्कुल सेम आएगा कि माइनस 3 बाई 2 बिल्कुल सेम आएगा और ब्रैकेट 1 देखो 1 माइनस आएगा तो माइनस बिल्कुल ऐसे ही छाप दो 4 आर डी अपॉन कितना 5 आर स्क्वायर चौंक रहे हैं समझ मुश्किल नहीं है देखो भैया इतना समझ में आ गया। अब देखो 5 आर स्क्वायर बाई 4 की पावर माइनस 3 बाई 2 5 आर स्क्वायर बाई 4 की पावर माइनस 3 बाई 2 बिल्कुल कॉमन निकाल लो बाहर तो डी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन 2 बिल्कुल बाहर अब बिल्कुल कॉमन निकाल लो इसको इसको और इसको देखो क्या निकाला मैंने 5 आर स्क्वायर बाई 4 की पावर माइनस 3 बाई 2 कॉमन निकाल लिया अंदर क्या बचा है क्या बचा 1 प्लस 4 आर डी अपॉन 5 आर स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 माइनस क्या यार 4 आर डी अपॉन 5 आर स्क्वायर की पावर माइनस 3 बाई 2 समझ गया ना क्या बचा है। अब देखो ध्यान से तो क्या आया अगर तो नोट करते ना ये नहीं सपना देखने लग गया बैठ के म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक आध तो खाने पीने चला गया होगा कि क्वेश्चन का खत्म होगा देखो 5 आर स्क्वायर बाई 4 की पावर माइनस 3 बाई 2 ब्रैकेट ध्यान देना ये बाइनरी थ्योरम है कौन सी थ्योरम है बाइनरी a प्लस x की पावर n होता है ये बाइनरी थ्योरम में a प्लस nx लोअर पावर में n साथ में आ जाता है a प्लस nx a प्लस x की पावर n तो nx n यहाँ आ जाएगा तो 1 माइनस प्लस माइनस 3 बाई 2 4 आर डी अपॉन 5 आर स्क्वायर खत्म। इसी तरीके से यहाँ a माइनस एक्स की पावर है a माइनस एन एक्स a माइनस 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 प्लस 3
आर डी, थ्री फोर आर डी, टू फाइव आर स्क्वायर, टू फाइव आर स्क्वायर, प्लस का ही माइनस का, ये पूरा कैंसिल हो गया। बात समझ आ गई? जब ये पूरा कैंसिल हो गया तो देखो बचा क्या, वन और वन टू बचा, तो देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एम आर स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट फाइव आर स्क्वायर बाई फोर, फाइव आर स्क्वायर बाई फोर की पावर माइनस थ्री बाई टू और ब्रैकेट में टू। समझ गए क्या समझ आ गई? सॉल्व करते हैं, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एम अपॉन टू, ये फाइव आर स्क्वायर बाई फोर है, माइनस थ्री बाई टू, अगर इसकी पावर को मैं प्लस थ्री बाई टू पर कट जाएगा तो पलट के ऐसा हो जाएगा फोर अपॉन फाइव आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, और ये टू तो ऐसा ही रहेगा। समझ में आ गई बात? चलो भाई इसको बिठा देता हूँ, इसको बिठा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं जिंदगी में, किसी चीज की जरूरत नहीं जिंदगी में, बस वो जो मजे है चीनी मिला के खा लो, खत्म खानी सुशांत सिंह से खत्म तो है क्या, कुछ मत करना ऐसा, ये नहीं जाने लग जाए, देखो बहुत बड़ी जिंदगी है मजे से जियो, देखो है क्या, अब क्या रहा फोर अपॉन फाइव आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, अरे टू है, अब इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो b इक्वल टू हमें ये लाना ही है, ये लाना है, तो b इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर अपॉन टू, ये फोर है, ये फोर है, फोर की पावर थ्री बाई टू, फोर को क्या लिख सकता हूँ टू की पावर टू, उसे टू कट गया, टू की पावर थ्री एट आ गया इंटू एट अपॉन फाइव की पावर थ्री बाई टू, फाइव की पावर थ्री बाई टू ऐसे रहने दो, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को तो स्क्वायर से स्क्वायर किया तो आर की पावर थ्री, तो आर की पावर थ्री इंटू कितना टू, इंटू कितना टू, सॉल्व कर दिया मैंने मजे से, देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन आर स्क्वायर ए टू जा सिक्सटीन अपॉन टू आर क्यू इंटू फाइव की पावर थ्री बाई टू है, फाइव की पावर थ्री बाई टू का मतलब कितना होगा अंडर रूट फाइव की पावर थ्री, अरे यार फाइव की पावर थ्री बाई टू मतलब वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब रूट फाइव, रूट फाइव की पावर थ्री, सॉल्व करने का तरीका देखो टू एट या सिक्सटीन आर स्क्वायर से आर क्यू हो गया, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एन इंटू एट अपॉन नीचे आर अंडर रूट फाइव का क्यूब कितना ट्वेंटी फाइव, अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव, अंडर रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, तो फाइव अंडर रूट फाइव सही है। अब तुम देखोगे जब इस फाइव रूट फाइव से तुम एट को डिवाइड करोगे, रूट फाइव की वैल्यू होती है लगभग टू पॉइंट थ्री समथिंग, तो फाइव रूट फाइव से तुम इसको डिवाइड करोगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा जीरो पॉइंट सेवन टू इंटू म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, इतनी सिद्धम। अब तुम हलवा चना खा सकते हो, प्रसाद लेने आ सकते हो, अब तुमको सब कुछ मिल जाएगा आराम से। देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, छोटा बड़ा क्वेश्चन देखा। तो देखो सबसे पहली बात, अगर 0.72 कहते हैं कि एक की सेंट्रल एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे की एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ दूरी तक कांस्टेंट रहती है, और वो कांस्टेंट कितनी रहती है, इतनी रहती है 0.72 मीटर एन आई अपॉन आर। मेरे बच्चों यस और नो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, तुमने ये सीखा एक एक्स एक पॉइंट दूसरी पॉइंट, एक की वजह से एक्सियल पोजीशन, दूसरे की वजह से एक्सियल पोजीशन, दोनों की वजह से सेंटर पर कुछ दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहती है और वो इतनी रहती है, इसका प्रूफ हम लोगों ने सीख लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी फिजिक्स, आप इसको नोट करें। हेलो बच्चे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, कहता है हमारे पास एक टोराइड है, ये टोराइड है, ये टोराइड होता है ना ऐसे, ये पूरा टोराइड है, सिखाया था मैंने एम्पियर सर्कल और की एप्लीकेशन से सिखाया था टोराइड, सोलेनाइड भी सिखाया था लॉन्ग वाला, इन्फिनिट वायर भी सिखाया था, फेसेस भी सिखाए थे, सब भूल गया, सब खत्म कहानी बिल्कुल, है नहीं मस्ती से जी रहे हो सब, बढ़िया जियो। अब है क्या जी लो, सिंपल सी बात है, एक बार याद रखना हमेशा, जो पहले हंसेगा वो बाद में रोएगा, और जो पहले रोएगा वो मजे से हंसता रहेगा, जब सब रो रहे होंगे तो अकेले बैठ के हंस रहा होगा, कुर्सी डाल देती हूँ मस्ती से, रो लो बेटा रो लो, वो ये कहेगा, समझ लो ध्यान से, ठीक है ध्यान देना। छोटी सी बात बताता चलूँ, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट अगर जिस बच्चे के घर में सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही है, याद रखना जिंदगी में बात को, अगर जिसके घर में सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही है, या तो वो टॉप किया है या तो फेल हुआ है,
नहीं समझे मेरी बात, बीच वाले क्या तो लोग जाते ही नहीं, मजा नहीं आता उन्हें, मजा लेने जाते हैं वो तो, पड़ोसी आएंगे तुम्हारी आंटी अंकल ताई चाची जाने क्या जिसको कहते हैं वो लोग आते हैं, आके तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे दीदी क्या हुआ तुम्हारी बेटी का, हमारी ननद की चचेरी बहन की ससाली की तो परसेंटेज 98 तुम्हारी कितनी है, बस जल गए खत्म कहानी, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो यार याद रखना घर में भीड़ लगवाना फर्स्ट वाले सेंस में लगवाना, टॉप करना तो लगे भीड़, नहीं तो लोगों को तो मजा लेना आता है बस देखो। तो कह रहे हैं टोरॉइड है, टोरॉइड में दो रेडियस होती है यार, एक इनर एक आउटर, तो जो इनर रेडियस है वो 0.25 मीटर है, एक आउटर रेडियस है वो 0.26 मीटर है। तो कहता क्या है क्वेश्चन में, तीन पार्ट पूछ रहा है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है, इस टोरॉइड के आउटसाइड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो बिना दिमाग लगाए बता दो जीरो आंसर हो गया पहला पार्ट खत्म। ना क्या सिखाया था यार, टोरॉइड के बाहर और खाली जगह के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, तीसरा पार्ट भी यही है मैग्नेटिक फील्ड जीरो। कहाँ अरे यार बोलो ना कहाँ, ऐसे ऐसे बैठे हैं ऐसे करके, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आउटसाइड भी जीरो और इस टोरॉइड टोरॉइड की जगह को छोड़ दो तो अंदर अंदर ये खाली जगह हवा हवा हवा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। तीसरा क्या बचा, अंदर होता है यहाँ पर होता है यहाँ होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B=μ0 प्रूफ भी किया था मैंने, प्रूफ किया था मैंने, प्रूफ बताया गया इसको बहुत भयंकर तरीके से प्रूफ किया था मैंने इसको, एम्पियर सेक्टर लो लगाओ अपनी तरफ से फिर उसकी कंपेयर करो, कंपेयर करने पर सब कुछ कट जाता था, म्यू डेना ही आ जाता था। चलो B=μ ये होता है यहाँ पर, यहाँ पर B=μ नहीं होता है, एक रेडियस आर बंद रखी है एक रेडियस आर बंद रखी है। अब दिक्कत होगी तो ये पॉइंट तो बीच में नहीं है ना, ना आर वन ना आर टू, तो ऐसी सिचुएशन में हम मीन निकालते हैं, मीन रेडियस आर वन प्लस आर टू अपॉन टू, आर इक्वल टू आर वन कितना बताओ 0.25 प्लस 0.26 अपॉन टू, सही है भीड़ मत लगवाना अपने घर में, 0.25 प्लस 0.26 अपॉन टू और इसको ऐड करो, उसको ऐड करना भी नहीं आता और ये मर गया 0.46651 अपॉन टू, नहीं आई बात समझ में भैया 0.22 2 × 10 सही है 0.25। अब ये देखो जरा तरीके से, तो अब कह रहे हैं कि 0.51 है तो 0.25 कितना आएगा 0.25, इसको अलग सॉल्व कर लो या तो इसको ऐसी रहने दो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको ऐसी रहने दो, ये किसमें आया सेंटीमीटर में, तो r इक्वल टू 0.51/2 मत सॉल्व करो आगे फायदा होगा 10^-2 मीटर, लो ये मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने खत्म। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है B=μ/NI, तो B=μ0 फॉर्मूला होता है वैल्यू होती है μ0/4π = 10^-7, तो μ0 निकालो खाली μ0 तो 4π × 10^-7 तो 4π × 10^-7 n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे 3500, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 3500, नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ स्मॉल n, स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, यार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ बिल्कुल गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ क्या आता है नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ आता है मेरे बच्चों। तो फिर देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन कितना 2π/r × हो गया n की वैल्यू, पढ़ाई कितना करंट दे रखा है 11 एम्पीयर। चलो तो देखो भाई B=μ क्या है 4π, बड़ा मजा आया मुझे दौड़ा तो जाता है काटने में, देखो काटा मैंने इसको चाकू से, मैंने कहा था देखो 2 × 4 काट कर दूंगा मैं इसको, मैंने काटा था देखो तो 2 × 10^-7, कोई गलती हो तो देख के चलना, देख के भी कर लोगे स्मॉल आ रही है ये रही, तो B=11×22×10^-7 नंबर ऑफ टर्न्स कितने 3π/0 आप स्मॉल आर की वैल्यू ये रही 0.51×10^-2×2, ये वाला 2 जो नीचे था ऊपर चला गया मैंने
बी इक्वल टू 22 टू जाए कितना होता है यार 44 इंटू ये 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 2 प्लस 2 और ये प्लस 2 ये 10 की पावर प्लस 4 का खा जाओ इसमें से 10 की पावर माइनस 3 बचेगा ये 35 बचेगा अपॉन 0.5 पर बचेगा क्लियर होगी बात जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से मैट्रिक में निकल के आ जाएगी टेस्ला में आ जाएगी कितनी आ जाएगी 3 की पावर माइनस 2 नंबर आ जाएगी तो बी इक्वल टू आ जाएगा 3 × 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला समथिंग ये आंसर हो जाएगा और शायद ये आंसर इतना ही हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या था कि टोराइड है टोराइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी सो मत जाना जीरो टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी जीरो टोराइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी बी बल डिवाइडेड एन आई एन कौन सा स्मॉल वाला स्मॉल एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स और यूनिट लेंथ कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ टोटल लेंथ कितनी 2πr आर वाला कौन सा स्मॉल आर स्मॉल आर क्या मेन रेडियस सुनते तो कुछ हो नहीं खाली रामायण सुन रहे हैं अरे यार स्मॉलर कौन सा मेन रेडियस कौन सा आर वन प्लस आर टू बाई टू नहीं समझ में बार आर वन तुम्हें दिया आर टू तुमको दिया स्मॉलर निकाल लो तो एन अपॉन 2πr आ गया स्मॉलर आ गया सबके वाले बताओ आंसर के बताओ खत्म करानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसको छापो जल्दी से जल्दी छापो स्क्रीन शॉट लो पॉज करो वीडियो ना छापो जल्दी क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी 19 क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या कह रहे हैं कह रहे हैं कि हमारे पास हीटेड कैथोड है एच के साथ सीन बोल मिलता हीटेड कैथोड है जब हीटेड कैथोड है ना यार तो कहते हैं उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला क्या निकला इलेक्ट्रॉन निकला हीटेड कैथोड से उस पे हमने वोल्टेज कितना दिया है 2 kV मतलब 2000 वोल्ट हमने कैथोड को 2000 वोल्टेज दिया वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया जब इलेक्ट्रॉन निकला ना यार तो कहते हैं कि एक बार उस इलेक्ट्रॉन को सामने एक मैग्नेटिक फील्ड थी सामने वाली मैग्नेटिक फील्ड के एक बार तो परपेंडिकुलर एंट्री किया जो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला उसने मैग्नेटिक फील्ड को एक बार तो परपेंडिकुलर एंट्री किया फिर क्या होगा बताओ जब परपेंडिकुलर एंट्री करेगा तो किस रेडियस में घूमेगा पूछ रहा है क्योंकि यू नो दैट और वी नो दैट ऑल्सो हम भी जानते हैं तुम भी जानते हो आई नो दैट कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करता है परपेंडिकुलर या किसी एंगल पर तो परपेंडिकुलर एंट्री करता है तो वो सर्कुलर पाथ गेन करना चाहता है सही है अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो सर्कुलर पाथ गेन करना चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंट्री करता है तो पैराबोलिक पाथ गेन करना चाहता है तो उसी तरीके से एक बार कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला वो मैग्नेटिक फील्ड में गया जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गया तो कैसे घूमा सर्कुलर तो बताओ रेडियस कितनी खत्म दूसरा क्या कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन गया अब परपेंडिकुलर नहीं गया उस मैग्नेटिक फील्ड में 30 डिग्री बनाता हुआ गया कितना 30 बनाता हुआ कैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड तो 30 बनाता हुआ गया 30 डिग्री बनाता गया तो बताओ उसकी रेडियस कितनी दो पार्ट है तो देखो अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज दोगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर आएगी और एक काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन इंटू ई इंटू वी के बराबर होती है ये भी काइनेटिक एनर्जी है ई वी क्योंकि ई क्या है इलेक्ट्रॉन की चार्ज वी है वोल्टेज ई वी तो ये आगे एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के तो वेलोसिटी निकाल लो वेलोसिटी हमने क्या निकाल लिया कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकली कितनी तेजी से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकला कितनी तेजी से तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी तो वी स्क्वायर इक्वल टू ई वी अपन तो वी इक्वल टू अंडर रूट टू ई वी अपन वी की वैल्यू सबके वैल्यू लगा दो टू ई की वैल्यू वोल्टेज कितना 2000 वोल्ट अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितना आ गया 8/3 × 10^7 m/s देखो क्या कहता है पहला पार्ट एक बार ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन है परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है तो तब किस रेडियस में घूमेगा तो फॉर्मूला क्या होता है क्यू बी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर क्योंकि जब कोई चीज परपेंडिकुलर एंट्री करेगी मैग्नेटिक फील्ड के तो एक लगेगा सेंटीमीटर फोर्स एक लगेगा लॉरेंज फोर्स उसी वजह से वो सर्कुलर मोशन करेगा तो पूरा साइक्लोट्रॉन में चिल्ला के कुत्ते जैसे भौंक भौंक के सिखाया था मैंने भूल गया तो सोचा कि मैं इंसान हूँ अब देखो ध्यान से सुन मैं ध्यान से हाँ एक बात तो सोच रहा सही है अब मेरे कहने का मतलब क्या है क्यों भी क्या होता है यार लॉरेंज फोर्स वैसे तो क्यों भी साइन थीटा होता है क्या होता है यार क्यों भी साइन थीटा होता है तो यहाँ साइन 90 हो गया वन हो गया तो क्यों भी साइन थीटा साइन 91 हो गया तो क्यों भी क्यों कौन है इलेक्ट्रॉन है ई वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो हमें क्या निकालना है यहाँ से अब आर निकालना है वी से वी गया तो आर इक्वल टू क्या आएगा एम वी अपॉन ई वी
r इक्वल टू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितनी है, इतनी 8/3 10 की पावर 7, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। और मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे रखी है 0.15 टेस्ला, 0.15 टेस्ला। सॉल्व कर लोगे, आर की रेडियस यहाँ से निकल के आ जाएगी। ये हो गया पहला पार्ट। अब देख के डर रहे हैं, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको, क्लास 12th में आएगा तुमको, उससे मेहनत करवाओगे तो नहीं वाले करें। इसको करो और कैसे करोगे, पहले पावर सॉल्व करते हैं। ऐसी चीज़ों में मेरे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, हरे, नीले, गुलाबी, ऐसी चीज़ों में सबसे पहले पावर सॉल्व करते हैं। माइनस 31 है, ये ऊपर लाओ, 19 + 7 कितना आता है 26, और 31 में से 26 किया तो देखो चलो 5 माइनस का, तो ऊपर होगा 10^-5। फिर नीचे की मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, पहले पावर सॉल्व करो, बाद में सब डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। इतना तो गलत है यार। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, और ये 30° पे इस बार, तो बताओ क्या होगा, तो रेडियस कितनी होगी। लॉरेंज क्या कहता था, लॉरेंज स्टेट्स दैट द फोर्स मैग्नेटिक एंड द चार्ज वेलोसिटी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन द चार्ज इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। नहीं आई, मैंने कहा कि अगर चार्ज इज गोइंग टू एंटर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड देन द वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फोर्स एप्लीकेबल ऑन द चार्ज। कि जैसे कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंट्री करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सब आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ध्यान दो, फिर नहीं सुना मुझे क्या था, सपना देख रहे हैं बैठ के, सपना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सपने में, मोदी क्या करोगे, मोदी हो गए अब कहीं याद नहीं रखते, विदेश घूमने पहले जाते थे बाहर लोग, मोदी जी अब देखो क्या है, सब कुछ अंदर ही कर, अब देखो है क्या। हाँ देखो, बहुत अच्छे नेता हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये मैं वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी यही नहीं लेंगे, ऐसी वेलोसिटी लेंगे जिसका कंपोनेंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, मतलब यहाँ लेंगे एक वेलोसिटी हम, यहाँ ये वेलोसिटी नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे, क्योंकि लॉरेंज कहता था कि वेलोसिटी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड के, जब घुसता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, B sin 30, क्योंकि यहाँ क्या होगा, B cos 30, यहाँ क्या होगा, B sin 30, सब कुछ यही रहेगा, ये फार्मूला यही रहेगा, ये फार्मूला यही रहेगा, बस बी की जगह क्या ले लोगे, B sin 30 पानी खत्म हो गई। तो आर इक्वल टू एम बी की जगह B sin 30 अपॉन कितना यार, ये बी, तो आर मुझसे सॉल्व करवाएंगे सब आपका गुस्सा आ गया। 8/3 10 की पावर 7 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 50। अब तुम्हें गुस्से में ऐसे बताऊँ, साइन 30 1/2, ई की वैल्यू 1.6 × 10 की पावर माइनस 19, और मैट्रिक फिर कितना होता है, दे रखा है होता होता बंदी में 0.15। सॉल्व कर लोगे, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्लियर होगी बात। तो एक बार जब चार्ज परपेंडिकुलर एंट्री किया तो, और एक बार चार्ज 30° पर एंट्री किया तो, यहाँ कुछ भी होता तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते, कौन बोला था, किसने बोला था, मैं तो बोलता नहीं था, लॉरेंज बोला था, लॉरेंज, ऑरेंज नहीं, लॉरेंज। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट B sin θ ले लिया, B sin 30 ले लिया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो सब, उनकी आत्मा है तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे उनका गलत नाम दिया हो। तो वो B sin 30, तो B sin 30 कितना, B sin 1/2 सॉल्व कर दिया, आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जल्दी छापो, आगे बढ़ो।